अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी अनदर न्यू वीडियो मदर व्लॉग्स में आप सभी का वेलकम है। ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी 3 मंथ की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है। आप लोगों को यहाँ पे प्रूफ दिखाई दे रहा होगा, तो इसमें आप मेरे बेबी का प्लेसेंटा तो नहीं अभी मेंशन नहीं है, FHR देख सकते हैं, यॉर्क सेक देख सकते हैं, आप CRL देख सकते हैं, सर्विक्स देख सकते हैं, और यहाँ पर जो है डेट वगैरह भी और कितने वीक से वो सब कुछ देख सकते हैं, और यहाँ सा एक प्यारा सा बेबी भी देख सकते हैं। तो ये थी मेरी जर्नी ऑफ फर्स्ट यानी फर्स्ट अल्ट्रासाउंड ऑफ माय बेबी बॉय। तो कल की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो फुल डिटेल में वीडियो बनी है, अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ज़रूर देखना। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है प्रेगनेंसी में खाने का मन ना करना, क्यों ना करता है, क्या रीज़न है, किस लिए ऐसा होता है। तो सबका एक्सपीरियंस सेम नहीं होता, मैं बता दूं तो रीज़न कुछ मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाली हूँ, बने रहिए वीडियो में। अगर आपका भी एक्सपीरियंस ऐसा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपका कैसा एक्सपीरियंस था और आपको क्या क्या सिम्टम्स फील हुए थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए सजेस्टेड एंटी स्कैन बिटवीन 11 to 14, डॉक्टर ने एंटी स्कैन सजेस्ट किया हुआ था मुझे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नौजिया एक रीज़न है अर्ली प्रेगनेंसी में, बहुत सारी लेडीज़ को जो है अर्ली मॉर्निंग सिकनेस होती है जिसमें नौजिया और बोले तो टाइर्डनेस, थकान वगैरह ज़्यादा होती है। दूसरा है बेबी टेकिंग अप स्पेस ऑन यूअर एब्डोमिन एरिया, यानी बच्चेदानी में बच्चा जब सही जगह पर इम्प्लांट होता है तो बहुत सारी प्रेगनेंसी के जो हारमोन्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं, इस वजह से भी कहीं ना कहीं, और हमारा एब्डोमेन जो है खुलना स्टार्ट होता है बेबी के लिए। तो जैसे बेबी इम्प्लांट होता है तो हमारे बहुत सारे हार्मोन्स जो इम्बैलेंस होते हैं वो भी एक रीज़न है कि हमें मॉर्निंग सिकनेस, नौजिया, वॉमिटिंग वगैरह होती है। द मेन रीज़न इज़ द स्पेस इन यूअर एब्डोमेन एरिया आर टू ऑफ द मेन रीजन्स वाई यू माइट नॉट बी हंग्री। फर्स्ट तो आपको नौजिया हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि एब्डोमेन में बेबी जब इम्प्लांट होता है तो ये भी एक रीज़न है। नौजिया जो है कुछ लेडीज़ को मॉर्निंग सिकनेस होती है, कुछ को इवनिंग सिकनेस होती है। तो मेरा एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे मॉर्निंग सिकनेस मेरी चारों प्रेगनेंसी में कभी नहीं हुई थी। हाँ मुझे इवनिंग सिकनेस होती थी, इवनिंग में थोड़ा जी मचलाना, वॉमिट जैसा फील होना, वॉमिट तो नहीं आती थी, सिर्फ मुझे बेबी गर्ल के टाइम थोड़ी ज़्यादा वॉमिट हुई थी, वो भी एक या डेढ़ महीने तक ही। मेरे तीनों बॉयज़ के टाइम मुझे ज़्यादा वॉमिटिंग नहीं फील हुई थी, दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। और प्रेगनेंसी के हार्मोन जो है वो बहुत स्ट्रांगली तेज़ी से, अगर आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है, बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आया, तो आपके बॉडी में बहुत तेज़ी से प्रेगनेंसी के हार्मोन ग्रो होते हैं। वो भी एक रीज़न है कि हमें भूख नहीं लगती है, जी मचलता है, मचलता रहता है, परेशान रहते हैं हम, हमें समाधान नहीं फील होता है, चाहे वो साबुन की स्मेल हो या फिर कुछ भी हो, इस वजह से हम परेशान होते हैं। ज़्यादातर लेडीज़ को जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऐसा होता है, यहाँ तक कि उनको पानी तक नहीं पिया जाता है, ऐसी सिचुएशन होती है। मुझे तो नहीं थी, मगर हाँ जो हमारे फैमिली में कुछ लोग हैं उनको ये सिचुएशन थी कि पानी भी पीने से उन्हें वॉमिट फील होती थी, इस वजह से उन्हें जो है कैनोला लगाना पड़ा और कई दिनों तक एडमिट भी होना पड़ा। तो ये सिचुएशन होती है एक माँ की एक बच्चे को डिलीवर करने की, ये जो जर्नी है ये आसान नहीं होती। तो आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, मगर थोड़ी आवाज़ हैवी लग रही हो तो उसके लिए सॉरी। तो एवरी मदर एक्सपीरियंस डिफरेंट फेस ऑफ प्रेगनेंसी, तो हर माँ का जो एक फेस होता है प्रेगनेंसी को वो डिफरेंट होता है। यहाँ पर सबका जो एक्सपीरियंस है वो सेम नहीं होता, किसी को मॉर्निंग सिकनेस, किसी को इवनिंग सिकनेस, किसी को मीठा खाना पसंद, किसी को तीखा खाना पसंद, किसी को स्पाइसी। और जो है अर्ली प्रेगनेंसी में भी कुछ लेडीज़ को जो हार्ट बर्न जिसे हम कहते हैं सीने में जलन, वो तेज़ी से होती है, किसी को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती है और किसी को थर्ड ट्राइमेस्टर में होती है। तो आप में से कितनी लेडीज़ हैं जिनको ये डिफरेंट जो है आपको एक्सपीरियंस हो रहा है वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और हर एक माँ जो है अपना डिफरेंट एक्सपीरियंस करती है अलग अलग ट्राइमेस्टर में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो थोड़ा हैवी जाता है, सेकंड ट्राइमेस्टर गुड, वेरी वेल, सब कुछ खा पी रहे होते हैं हम, अच्छे से इंजॉय कर रहे होते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर भी थोड़ा हैवी होता है, इसलिए कि उस वक्त बेबी की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही होती है और हमारा जो बेली है वो काफ़ी बड़ा हो चुका होता है, तो उस वजह से हमें थोड़ा चलने, उठने, बैठने थोड़ा ये होता, दिक्कतें फील होने लगती हैं, तो इस वजह से भी, और हमें पेट भर के एक साथ खाना नहीं खाया जाता,
और बार बार भूख लगती है, बार बार यूरिन की फ्रिक्वेंसी फील होती है और बहुत सारे दिक्कतें स्टार्ट हो चुकी होती हैं उस वक्त। कभी पैरों में सूजन, कभी फेस में सूजन और नींद तो बिल्कुल भी नहीं आती है। बढ़े हुए वज़न के वजह से, बेबी की एक्टिविटी के वजह से, बेबी जो है बार बार मूव करता है, एक्टिविटी करता है, इस वजह से हमें बहुत बहुत देर तक, कभी कभार तो ऐसा होता है कि हम गहरी नींद में सोते हैं तो बेबी बहुत तेज़ी से एक्टिविटी करने लगता है, तो उठकर सपोर्ट लेकर जब हम बैठते हैं तो थोड़ा बेटर फील होता। और बहुत तेज़ थर्ड ट्राइमेस्टर में बैक में पेन होता है, लेग्स में क्रैम्प होता है, पैरों में क्रैम्पिंग होती है, बैक में तो बहुत तेज़ी से होने लगता है। तो ये नॉर्मल डिलीवरी के कुछ सिम्टम्स होते हैं जो बॉडी प्रिपेयर करने लग जाती है जैसे ही आपका थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है। तो ये थी मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस की जर्नी। तो मुझे तो नौजिया बिल्कुल नहीं था, मगर हाँ कभी कभार खाने को मन नहीं करता था मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। सेकेंड और थर्ड में तो बिल्कुल भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ थोड़ा थोड़ा थोड़ी थोड़ी देर पर खा लेती थी, मगर खा लिया करती थी। और हमेशा से ध्यान रखिएगा कि हेल्दी चीज़ें ही खाया करें। जंक फूड वगैरह खाने से बेबी तक बैक्टीरिया जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ऐसा डॉक्टर ने बताया था, ये मेरी बताई हुई बातें नहीं। और यूट्रस ग्रेविड यानी बच्चेदानी में बच्चा सही जगह पे इम्प्लांट हुआ है और जो आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी है वो बहुत अच्छे से बढ़ रही है इसका मतलब है। तो इसकी जो डिटेल में वीडियो है वो चैनल पे अवेलेबल है, विजिट ज़रूर से करना। मेरे चैनल पे 700+ वीडियोस हो चुकी हैं, आप सबका दिल से शुक्रिया। आप सबके सपोर्ट के वजह से मेरे चैनल पे आज बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है आप लोगों के लिए। तो अगर आप जानकारी चाहते हैं डिटेल में बेबी बॉय के बारे में, बेबी गर्ल के बारे में, उनका प्लेसेंटा, उनका FHR और लो लाइंग प्लेसेंटा, नॉर्मल डिलीवरी, सी सेक्शन डिलीवरी, ये सब कुछ डिटेल में अवेलेबल है मेरे चैनल पे, तो ज़रूर से एक बार विज़िट ज़रूर करना। उम्मीद करती हूँ कि मेरे चैनल पे अगर आप आए हैं तो आपको कुछ ना कुछ एक अच्छी जानकारी, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन, एक अच्छी नॉलेज ज़रूर मिली होगी। तो मेरी वीडियोस बनाने का हमेशा यही पर्पस होता है, चाहे वीडियो 4 डेज़ में एक ही वीडियो आए, मगर वो वीडियो में कुछ नॉलेज होनी चाहिए। जो भी मेरी ऑडियंस मुझे सुन रही है इस वीडियो के ज़रिए, उन तक एक प्रॉपर नॉलेज, एक अच्छी चीज़ पहुँचे और उनके जो भी डाउट वगैरह हैं वो क्लियर हो, बस यही मेरा इंटेंशन होता है हर बार वीडियोस बनाने का। अगर आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करना, चैनल का हिस्सा ज़रूर बनना। और ये रहा बेबी, जो कि फर्स्ट अल्ट्रासाउंड थी मेरी बेबी बॉय की, और बेबी बॉय की फ़र्स्ट अल्ट्रासाउंड में कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा था बेबी। ज़्यादा तो कुछ पता नहीं चलता है, मगर फिर भी ये डॉक्टर ये देते हैं, मगर देखकर दिल को जो बड़ी खुशी मिलती है वो एक माँ ही बेहतर जान सकती है कि इस खुशी को मैं वर्ड्स में आई थिंक एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगी। आई एम वेरी इमोशनल। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, हैप्पी एंड हेल्थ।